हेलो दोस्तों, आप लोग ये जानते ही होंगे कि भारत देश में कुछ शहरों में 5G लॉन्च हो चुकी है और बाकी शहरों में भी जल्द ही लॉन्च होने वाली है। 5G से एक तरफ अर्थव्यवस्था को फ़ायदा होने और आम लोगों के जीवन को आसान बनाने की चर्चा हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इसके नेगेटिव प्रभाव की भी चर्चा हो रही है। 5G क्या है और 5G के फ़ायदे हमने हमारी पिछली वीडियो में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का भी लिंक है। ये वीडियो देखने के बाद आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5G के नेगेटिव प्रभाव के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखाना ना भूलें। तो अब चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। क्या 5G के नेगेटिव प्रभाव भी हैं या नहीं? कैंसर का खतरा। बहुत से लोगों के मन में डर है कि क्या 5G से कैंसर हो सकता है। तो हम आपको बता दें कि अभी तक हुई रिसर्च के अनुसार 5G से कैंसर होने का खतरा बहुत ही कम है। हालांकि अभी इसे लेकर कम स्टडी हुई है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO 5G के सेहत से जुड़े खतरों का आकलन कर रहा है और इसकी रिपोर्ट इस साल के अंत तक आ सकती है। WHO के अनुसार अभी तक मोबाइल टेक्नोलॉजी का इंसान की सेहत से जुड़ा कोई नुकसानदायक प्रभाव सामने नहीं आया है। दोस्तों, कुछ साल पहले के WHO की रिपोर्ट के मुताबिक मोबाइल के इस्तेमाल के बजाय शराब पीने या मीट खाने से कैंसर होने का खतरा ज़्यादा रहता है। 5G से कैंसर होता है या नहीं, इसे समझने से पहले हमें 5G की वर्किंग को समझना हो। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन से कैंसर होने का खतरा रहता है और ऐसे रेडिएशन को आयोनाइजिंग रेडिएशन कहा जाता है। मोबाइल और माइक्रोवेव ओवन जैसी आम इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में कम एनर्जी और कम फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है और ये रेडिएशन नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए मोबाइल फोन से कैंसर का खतरा बहुत ही कम होता है। इसे अगर नेटवर्क के मामले में देखें तो 4G के मुकाबले भले ही 5G नेटवर्क की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, लेकिन ये इतनी भी ज़्यादा नहीं कि हमारे शरीर की टिश्यू यानी कोशिका को नुकसान पहुंचा सके। 5G नेटवर्क वाली ये बात मोबाइल फ़ोन और टावर दोनों पर लागू होती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक मोबाइल नेटवर्क तभी नुकसानदायक हो सकती है जब ये शरीर के टिश्यूज को गर्म करने लगे। दरअसल बहुत ज़्यादा एनर्जी और हाई रेडिएशन से पैदा होने वाली गर्मी से न केवल हमारा इम्यून सिस्टम बल्कि हमारा DNA तक डैमेज हो सकता है, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन हमारी सेहत को हानि पहुंचा सकता है। लेकिन 5G टावर से निकलने वाली कम फ्रीक्वेंसी की वजह से हमारी सेहत पर असर नहीं पड़ता है। अमेरिका की फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन यानी FCC की मौजूदा गाइडलाइन के मुताबिक लोगों को 300 किलोहर्ट्ज से लेकर 100 गीगाहर्ट्ज तक के रेडिएशन से कोई खतरा नहीं होता है। दुनिया के ज़्यादातर देशों में अभी 5G फ्रीक्वेंसी की रेंज 25 से 40 गीगाहर्ट्ज के आसपास ही है। दोस्तों, भारत में 5G के लिए 600 मेगाहर्ट्ज से लेकर 24 से 47 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल होगा, लेकिन 5G से कैंसर के खतरे को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि 2021 में पैनल ऑफ फ्यूचर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट रिसर्च सर्विसेज ने इंसानों की सेहत पर 5G के असर को लेकर स्टडी की। इसमें बताया गया है कि 450 से लेकर 6000 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन से इंसानों में कैंसर होने का खतरा रहता है। दोस्तों, इससे खास तौर पर ग्लियोमा और एकॉस्टिक न्यूरोमा जैसे कैंसर होने का खतरा होता है। आपको बता दें कि ग्लियोमा दिमाग और रीढ़ की हड्डी में होने वाला कैंसर है और एकॉस्टिक न्यूरोमा भी दिमाग में होने वाला एक कैंसर है जिससे सुनने की क्षमता खत्म होने लगती है। 2011 में इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर यानी IARC ने कहा था कि मोबाइल का रेडिएशन इंसानों में कैंसर की वजह बन सकता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, इस रिसर्च को कई देशों के 30 वैज्ञानिकों ने मान्यता दी थी। तब से लेकर अब तक कई रिसर्च में मोबाइल रेडिएशन और मस्तिष्क कैंसर के बीच संभावित लिंक की जांच की गई है, लेकिन यह अभी तक साबित नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि 2017 में बायोमेड रिसर्च इंटरनेशनल के रिसर्च रिव्यू में पाया गया था कि
मोबाइल फ़ोन का रेडिएशन ग्लियोमा कैंसर की वजह बन सकता है। लेकिन 2018 में इंट्रॉक के रिसर्च में हाई फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन और ब्रेन ट्यूमर के बीच कोई संबंध नहीं मिला। देशों में अभी तक 5G टेक्नोलॉजी शुरुआती स्टेज में है। ऐसे में इसके रेडिएशन का सेहत पर पड़ने वाला असर तभी साफ होगा जब इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाएगा। अब दूसरा सवाल ये आता है कि क्या 5G हवाई जहाज के लिए खतरनाक हो सकता है। हाल ही में अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी FAA ने चेतावनी दी है कि 5G कुछ विमानों की ऊंचाई नापने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। 5G से विमानों के अल्टीमीटर्स भी प्रभावित हो सकते हैं। अल्टीमीटर्स उसे कहते हैं जो ये बताते हैं कि हवाई जहाज कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। दोस्तों 2020 में नॉन प्रॉफिट रेडियो टेक्निकल कमीशन फॉर एरोनॉटिक्स ने इस बारे में विस्तार से एक रिसर्च पब्लिश की थी कि कैसे 5G विमानों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन यूरोप के 27 देशों में विमानों की उड़ान में 5G की वजह से कोई शिकायत नहीं मिली है। यूरोपियन एविएशन एजेंसी ने कहा है कि ये समस्या केवल अमेरिका में ही है। दरअसल यूरोप के 27 देश अमेरिका की तुलना में कम फ्रीक्वेंसी वाले 5G नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों फ्रांस जैसे कुछ देशों ने तो ऐसी किसी समस्या से बचने के लिए एयरपोर्ट के आसपास बफर जोन बना दिया है और इस बफर जोन में 5G सिग्नल प्रतिबंधित है। साथ ही यहाँ एंटीना को भी थोड़ा सा झुका दिया गया है जिससे विमान के सिग्नल को कोई बाधा न पहुँचे। साउथ कोरिया में अप्रैल 2019 से ही 5G सेवाओं का यूज हो रहा है, लेकिन वहाँ 5G के वजह से विमान सेवाओं के रेडियो सिग्नल में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई है। पक्षियों को खतरा। दोस्तों आप सब ने रोबोट 2 तो देखी ही होगी और अब 5G लॉन्च होने के बाद आपके मन में भी ये ख्याल जरूर आया होगा कि क्या वाकई में इससे पक्षियों को कोई नुकसान होगा। तो दोस्तों हम बता दें कि 22 अप्रैल 2020 को एक पोस्ट में दावा किया गया था कि नीदरलैंड के हेग में 5G नेटवर्क की टेस्टिंग से वहां सैकड़ों पक्षियों की मौत हो गई थी, लेकिन वह सच नहीं था। दरअसल हेग में 8 अक्टूबर 2018 से 3 नवंबर 2018 के बीच सैकड़ों गौरैया और दूसरी पक्षियों की मौत हो गई थी। इसका कारण 5G नहीं था क्योंकि उस दौरान वहां 5G की कोई टेस्टिंग नहीं हुई थी। हेल्थ काउंसिल ऑफ द नीदरलैंड के मेंबर और ICNIRP के प्रेसिडेंट डॉक्टर एरिक वान रोगन कहते हैं कि पक्षियों की मौत 5G टेक्नोलॉजी से तभी हो सकती है जब इससे निकलने वाला रेडिएशन इतना शक्तिशाली हो कि उससे नुकसान पहुँचाने वाली गर्मी पैदा हो। दोस्तों ICNIRP के अनुसार मोबाइल टेलीकॉम का एंटीना इतना शक्तिशाली नहीं होता है। पूरी दुनिया में ऐसे लाखों एंटीना हैं, लेकिन ऐसे मामले कहीं से भी सामने नहीं आए हैं। और 5G के रेडिएशन का इतना असर नामुमकिन है कि इससे पक्षी की मौत हो जाए। जानवरों के लिए खतरा। दोस्तों अब आपके मन में ये विचार आया होगा कि क्या ये जानवरों के लिए भी नुकसानदायक नहीं है। तो आपको बता दें कि इसका थोड़ा असर जानवरों पर पड़ता है, लेकिन अभी रिसर्च कम हुई है। 2019 में एनवायरमेंटल एंड मॉलिकुलर म्यूटेनाइजेशन की एनिमल स्टडी में पाया गया कि मोबाइल फ़ोन से निकलने वाली रेडिएशन से चूहों का DNA डैमेज हो जाता है। 2016 में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की एनिमल स्टडी में पाया गया कि किसी भी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्तों 2020 में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के रिसर्च रिव्यू में इस चीज़ की जांच की गई कि कैसे रेडिएशन घोंघे और मेंढक जैसे जीवों को प्रभावित करता है, और उसमें रिसर्चर्स ने पाया कि यह स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि मोबाइल नेटवर्क से निकलने वाले रेडिएशन का जानवरों पर नेगेटिव असर पड़ता है या नहीं। इम्यून सिस्टम पे असर। दोस्तों कोरोना बीमारी शुरू होने के बाद से 5G को कोरोना से जोड़कर कई अफवाहें फैलाई गई थी, जैसे 5G नेटवर्क कोरोना फैलने का जिम्मेदार है और दुनिया के कुछ ताकतवर लोगों का ग्रुप कोरोना फैलाने के लिए 5G का इस्तेमाल कर रहा है। एक और ऐसे ही कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी के मुताबिक 5G नेटवर्क से निकलने वाले रेडिएशन से इंसान का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है और उन्हें कोरोना होने का खतरा ज़्यादा रहता है।
दोस्तों, कोरोना 2019 में चीन से फैला, लेकिन 5G सेवा 2018 में साउथ कोरिया से शुरू हुई थी। इंटरनेशनल कमीशन ऑफ नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन प्रोटेक्शन यानी ICNIRP का कहना है कि 5G और कोरोना के बीच कोई संबंध नहीं है। दोस्तों, अंत में निष्कर्ष यही निकलता है कि 5G से सेहत पे होने वाले नुकसान के पुख्ता प्रमाण अभी तक उपलब्ध नहीं हैं, और जब ये टेक्नोलॉजी व्यापक स्तर पर प्रयोग की जाएगी तब ही इसके असल फायदे और असल नुकसान देखने को मिलेंगे। आपको ये जानकारी कैसी लगी और 5G नेटवर्क के बारे में अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और ये जानकारी अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।